हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता. वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल. सो आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, एंड इस वीडियो सीरीज का ये लेक्चर नंबर 30 है, जो कि फंक्शन का थर्ड पार्ट है. और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर्स को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं. तो हम एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे. तो एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर को मैं विद यूजिंग पॉइंटर और विदाउट यूजिंग पॉइंटर कैसे पास कर सकते हैं, तो दोनों चीजें बताऊंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने लेक्चर नंबर 29 वाला वीडियो और लेक्चर नंबर 28 वाला वीडियो जरूर से देखा होगा. तो 28 में मैंने बेसिक्स कवर किए थे और 29 में थोड़ा सा और एडवांस आपको फंक्शन के बारे में बताया था. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है फंक्शन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये मेरी डिटेल्स है जो आप यूज कर सकते हैं मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए. एंड इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप वहां से पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं. पहला जो प्रोग्राम है वो कहता है हाउ टू पास एरे विद और विदाउट पॉइंटर इनटू फंक्शन. तो पहले हम एरे को फंक्शन में पास करेंगे विदाउट यूजिंग पॉइंटर, एंड देन सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग पॉइंटर. तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अब आप फंक्शन से तो फैमिलियर हो ही चुके हैं, तो इजीली इस चीज को समझ जाएंगे. तो पासिंग एरे इनटू फंक्शन, सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है. तो अब एरे पास करना है, तो मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं वो होगा बेसिकली हम एरे पास करेंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उनका सम कैलकुलेट करना है. तो आप ध्यान रखना, जब भी एरे पास करना है तो आपको ये डिक्लेरेशन यूज करना है. फंक्शन का नेम आएगा, एरे पास करना है तो जिस टाइप का एरे है वो डेटा टाइप एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स. अगर एक एरे पास करना है तो एक बार ये लिखना है, एक से ज्यादा एरे है तो दो बार, तीन बार, चार बार, जितने एरे आपको पास करना है उतनी ही बार डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन कर सकते हैं. तो स्क्वायर ब्रैकेट ये बताता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो बेसिकली एक एरे होगा. तो अभी हमें एक एरे पास करना है इसलिए इंट स्क्वायर ब्रैकेट एक बार लिखा, एंड टोटल सम हमें रिटर्न करवाना है और वो एक सिंगल वैल्यू बनेगी इसलिए रिटर्न टाइप इज इंट. मेन फंक्शन में एक एरे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल आई और एस. फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, एंटर वैल्यूज, उनको रीड कराने के लिए हम एक स्कैनएफ लिख दे फॉर लूप लिखते हैं जिसमें स्कैनएफ को रिपीट कराएंगे. तो जो एरे का साइज है उतनी बार हमने लूप चलाया और उतने एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट करवा लिया. ठीक है, अब यूजर से वैल्यूज रीड करने के बाद हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे ये, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन. तो हमने सम फंक्शन को कॉल किया, उसमें ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, दैट इज एरे. और जो टोटल सम रिटर्न होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एस वेरिएबल में. तो सम प्रिंट कराने के लिए मैं एस वेरिएबल को डिस्प्ले करा देता हूं. ठीक है, तो आप देख सकते हो मेन फंक्शन में एरे का सम करने का लॉजिक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, वो हमें अलग से डिफाइन करना है मेन फंक्शन खत्म होने के बाद. और ये जो ऊपर मैंने लिखा है इट इज डिक्लेरेशन, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले दोनों वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं. अब हम लिखेंगे इंट सम इंट ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट. तो जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों लिखने हैं. अभी वेरिएबल एरे टाइप का है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना है, देन आई और एस, फिर आप लूप चलाओ आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन टेन, आई प्लस प्लस, और लूप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ एन. तो ये लूप एरे में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उनका सम करेगा. लूप खत्म होने के बाद जो टोटल है वो एस वेरिएबल में आएगा, तो आप क्या लिख दोगे, रिटर्न एस. तो यहां से एस अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा जहां पर भी ये फंक्शन कॉल हुआ है. तो इस तरीके से मैंने एरे को फंक्शन में पास किया, फंक्शन में उसका एडिशन किया और जो फाइनल आउटकम निकल कर आया उसको मैंने मेन फंक्शन में फिर से रिटर्न करा दिया. एंड ये जो पूरा ब्लॉक है इसको हम बोलेंगे डेफिनेशन. ठीक है, सो इस तरीके से आप एरे को फंक्शन में पास करके प्रोसेस करा सकते हैं. तो मैंने एरे के जो भी प्रोग्राम्स आपको मेरे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं. कभी भी आपको कोई डाउट आएगा तो मेरी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं.
तो देखो मैंने 10 नंबर्स इनपुट कराए और सम क्या निकल कर आया, 10। ठीक है, अब फंक्शन का बेनिफिट क्या हुआ कि हमने सम फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया, अब आपके पास एक और एरे है तो आपको सम फंक्शन का लॉजिक वापस से नहीं लिखना, आपको सिंपली इसको कॉल कराना है ताकि दूसरे एरे का भी सम कैलकुलेट हो जाए। तो फंक्शन को कैसे रीयूज करते हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 28 में बताया था। देखो 28 में मैंने आपको बताया था कि हम एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने वो देखा होगा जरूर से, तो वो चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एरे को विदाउट पॉइंटर कैसे पास करते हैं, अब देखेंगे कि पॉइंटर यूज करना हो तो कैसे होगा। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आप एरे को पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं और फंक्शन के थ्रू, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ आपको इंट एस्टरिस्क मतलब इंटीजर पॉइंटर यूज करना होगा, मेन फंक्शन एज इट इज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एरे को पास करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एरे का जो नेम होता है वो उसका बेस एड्रेस डिनोट करता है। ये मैंने एरे एंड पॉइंटर में आपको बताया था कि नेम ऑफ एरे रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस, बिगिनिंग एड्रेस। तो जब हम कॉलिंग से एरे का नेम पास कर रहे हैं तो वो अपना बेस एड्रेस पास करता है, तो आप उसको यहाँ पॉइंटर में रिसीव करवा सकते। देन लूप चलाया 10 टाइम्स और इस लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब ये जो a ऑफ i है इसको मैंने लिख दिया एस्टरिस्क p और p को प्लस प्लस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहां कैलकुलेशन में मैंने एरे कहीं भी यूज नहीं किया, मैंने मेन फंक्शन की जो 11th लाइन थी वहां से एरे का बेस एड्रेस पास किया जिसको पॉइंटर ने रिसीव किया और पॉइंटर के थ्रू ही एरे का सम करवा लिया। तो एरे एंड पॉइंटर कैसे काम करते हैं उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो एरे एंड पॉइंटर के लिए मैंने बनाया था। तो जो पूरी वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे होंगे उनको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एरे एंड पॉइंटर लर्न करना है तो मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर नंबर कौन सा होगा। ये देखो लेक्चर नंबर 23 में मैंने बताया था एरे एंड पॉइंटर कैसे यूज होता है, तो वो देखने पर आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। सो पहला टॉपिक अपना कवर हो चुका है कि एरे को फंक्शन में बिना पॉइंटर और पॉइंटर के थ्रू कैसे पास करते हैं। सेम अप्रोच अब हम यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग को समझना बहुत ही इजी होगा। पहले मैं इसको एक बार रन करके और बता देता हूँ जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी ये प्रॉपरली काम करेगा या नहीं। देखो मैं फिर से 10 वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ और सम क्या निकल कर आया, 10। तो इस तरीके से आप एरे को फंक्शन में विदाउट पॉइंटर एंड यूजिंग पॉइंटर दोनों तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पास करेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स यूज करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग फंक्शन में पास करेंगे और उसकी लेंथ निकालेंगे कि उसमें कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है। तो अब ये फंक्शन का नेम हो जाएगा लेंथ, यहां मैंने लिखा कैरेक्टर str साइज 10, यहां मैंने लिखा getters str, इसको मैंने कर दिया enter string, int l जिसमें लेंथ आ जाएगा, तो l equals to length of str, ये फंक्शन कॉल हुआ और लेंथ प्रिंट कराने के लिए लिखा length equals to % d l। तो ये देखो ये मेन फंक्शन को अपन ने मॉडिफाई कर दिया। तो स्ट्रिंग कैसे रीड होता है ये आपको मालूम ही है, फंक्शन कॉल करना अब आपको अच्छे से आ चुका है, तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अब आप इजीली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर str। अब आप देख सकते हो कि जैसे इंटीजर एरे प्रोसेस हो रहा था वैसे ही कैरेक्टर एरे भी प्रोसेस हो रहा है, बस इसका लूप अलग तरीके से चलता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने कैरेक्टर हैं, तो हम s ऑफ str ऑफ i को नल तक चला देते हैं। तो ये चीज मैं ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि पूरी वीडियो सीरीज फॉलो करें, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो पहले उसको समझ लें ताकि उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक है तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने मॉडिफाई किया, देखो स्ट्रिंग को पास किया लाइन नंबर 11 से एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये डेफिनेशन था जिसमें मैंने स्ट्रिंग को रिसीव किया और उसके बाद ये कैलकुलेशन अप्लाई कर दिया। तो अब अगर इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे और मैंने अपना नेम एंटर किया तो देखो लेंथ क्या निकल कर आया, 6। एंड आई होप कि अब आप इसको इजीली पॉइंटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको लिखना है कैरेक्टर पॉइंटर, मेन फंक्शन सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर p, यहाँ भी लिखेंगे पॉइंटर p
क्योंकि पी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है और पी को प्लस प्लस करा देंगे। तो जहां एरे यूज किया था वहां पर हमने पॉइंटर यूज कर लिया। तो अब अगर आप इस कोड को देखते हैं तो इसमें कहीं भी आपको स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे नहीं दिखेगा, सिर्फ पॉइंटर यूज किया है। और अपन इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से मैंने संजय डाला तो लेंथ क्या आया 6। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी विदाउट पॉइंटर और यूजिंग पॉइंटर दोनों तरीके से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पास स्ट्रक्चर यूजिंग और विदाउट यूजिंग पॉइंटर इनटू फंक्शन। तो ये भी बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लें ताकि स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर हो जाएं। ये हमने बनाया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराएंगे, हम सिर्फ उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया डिस्प्ले। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल पास करूंगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो जैसे मुझे एक इंटीजर पास करना होता है तो मैं सिर्फ इंट लिखता हूं। अभी मुझे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल पास करना है तो मैंने क्या लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब ये बाकी सारी चीजें इरेज कर देते हैं। तो अब यहां लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, देन मैंने लिखा प्रिंट एफ, एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। फिर मैंने स्कैन किया, पहले मैं स्कैन कर रहा हूँ रोल नंबर, तो परसेंट डी एम परसेंट एस डॉट रोल नंबर। फिर मुझे रीड करना है नेम और फिर मुझे रीड करना है मार्क्स। ठीक है, अब हमको एक कैरेक्टर वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। ये जब भी मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ और मैं एंटर को बाईपास करने के लिए ये यूज कर लेता। ठीक है, ये इरेज हो जाएगी चीजें, या इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं शुरू से लिखेंगे। तो अब मेन फंक्शन में देखो, हमने यूजर से इनपुट करा लिया, सब कुछ एस वेरिएबल में अवेलेबल है। अब मुझे उसको डिस्प्ले कराना है, मतलब यूजर ने जो इनपुट करवाया वो डिस्प्ले कराना है, बट वो मुझे मेन में डिस्प्ले ना करा के डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराना है। तो देखो डिस्प्ले फंक्शन का रिटर्न टाइप है void, इसलिए यहाँ मैंने इक्वल्स टू कोई वेरिएबल यूज नहीं किया। एस मुझे पास करना था इसलिए मैंने यहाँ डेटा टाइप क्या यूज किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। अब मुझे डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, और यहां पर मैं रोल नंबर नेम और मार्क्स को डिस्प्ले करा दूं। तो जब भी स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू मेंबर एक्सेस करते हैं तो अपन डॉट लगाते हैं, बट जब अभी मैं इसको पॉइंटर के थ्रू कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हम स्ट्रक्चर को फंक्शन के थ्रू कैसे प्रोसेस करा। तो देखो स्ट्रक्चर वेरिएबल फंक्शन में पास हुआ, यहां से ये कॉलिंग है और ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, तो ये डेफिनेशन हुआ। तो s वेरिएबल की वैल्यू यहां से पास होकर इस s वेरिएबल में आई और उनको हमने डिस्प्ले करा दिया। तो जो भी इनपुट मेन फंक्शन में रिसीव होगा वो डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट होगा, मेन फंक्शन के थ्रू नहीं। तब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करा देता हूं। तब देखो रोल नंबर 101, नेम संजय एंड मार्क्स 1000। तो आप देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज प्रिंट हो रही है, रोल नंबर 101, नेम संजय एंड मार्क्स 1000। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी फंक्शन में पास करवा सकते हैं। अब अगर हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू पास कराना है, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, तो आप क्या लिखोगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड एस्टरिस्क। यहां से आप पास करेंगे एड्रेस ऑफ एस, यहां पर आप लिख देंगे पॉइंटर पी, या एस भी चलेगा बट पी लिख देते हैं क्योंकि पॉइंटर के लिए हम नॉर्मली पी ही यूज करते हैं। और आपको डॉट के जगह क्या यूज करना है एरो। एरो बनाने के लिए आप लिखेंगे पी देन हाइफन ग्रेटर देन साइन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो एस जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर में असाइन किया और उसके थ्रू मैंने एरो लगाकर इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर की जो वर्किंग है वो भी मैं लेक्चर नंबर 23 में बता चुका हूँ। देखो मैंने स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर को कैसे यूज करते हैं वो डिटेल में बताया हुआ है, तो लेक्चर नंबर 23 जिन्होंने देख लिया है
उनको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर में क्या रिलेशन होता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर को फंक्शन में पॉइंटर के थ्रू कैसे पास करते हैं, तो वो आपके सामने ही मैंने ये इंप्लीमेंट किया। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, मैं सेम इंफॉर्मेशन डालूंगा, देखो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, तीनों चीजें एज इट इज प्रिंट हो रही हैं। तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को नॉर्मली भी पास कर सकते हैं और हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक पॉइंटर में पास करके भी उसको प्रोसेस करा सकते हैं। नाउ लास्ट इज पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर इनटू फंक्शन। तो इसी प्रोग्राम को अब अपन एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखो एरे पास करना है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पर मैं तीन बार इंफॉर्मेशन रिसीव करूंगा, एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया। अब मुझे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स रीड कराना है, तो मैंने लिखा फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन थ्री, आई प्लस प्लस, एंड इस लूप के अंदर मुझे तीन बार इनपुट कराना है, तो इनको मैंने यहाँ से कट कर दिया और लूप के अंदर पेस्ट कर दिया। तो एक बार कोड इंप्लीमेंट हो जाता है तो अपन उसको प्रॉपरली रीयूज कर सकते हैं। तो ये देखो एस ऑफ आई हो जाएगा अब सब जगह, क्योंकि अपने पास में मल्टीपल लोकेशन अवेलेबल हैं, तो एरे जब भी यूज करते हैं तो इंडेक्स को यूज करना जरूरी होता है, एंड एरे को पास करना है तो एस वेरिएबल को एज इट इज पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा हूँ और मुझे उनके रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट कराना है जिनके मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है। तो ये लॉजिक मैं बनाऊंगा डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको भी अपन एज इट इज यूज करेंगे, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर एक फॉर लूप लगाते हैं, एंड इस फॉर लूप के अंदर इसको यूज करेंगे बट एक इफ के साथ। तो इफ एस ऑफ आई डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, तो इसके अंदर अब हमें इन इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। तो मैंने कट किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, तो पहले रोल नंबर प्रिंट कराना है, तो आप लिखोगे एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर, फिर आपको नेम प्रिंट कराना है तो आप लिखेंगे एस ऑफ आई डॉट नेम, और फिर आपको मार्क्स प्रिंट कराना है तो आप लिखोगे एस ऑफ आई डॉट मार्क्स, बट उनके रोल नंबर, नेम और मार्क्स प्रिंट होंगे जिनके मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है। तो अब आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ फंक्शन में लिखी है, इन्फॉर्मेशन रीड मैंने मेन फंक्शन में करवाई है, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया जिसके थ्रू दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो अब इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, तो 101 रोल नंबर, नेम ए, मार्क्स 100, 102 बी, मार्क्स 600, 103 सी, मार्क्स 300। देखो सिर्फ एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई है जिसका रोल नंबर 102 है, नेम बी है और मार्क्स 600, बाकी दोनों की इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई है। तो जो इनपुट आपने किया था वो फिल्टर हुआ और एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से जब भी आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन में पास करना है तो पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर फंक्शन डिक्लेयर होगा, फिर स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन में रीड करना है, फिर फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन खत्म होने के बाद आपको जो डेफिनेशन लिखना है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने देखो एरे भी यूज किया, स्ट्रक्चर भी यूज किया और फंक्शन भी यूज किया। तो इस वीडियो में आपने मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं सब यूज की है, लूप भी यूज किया, इफ कंडीशन भी यूज किया, एरे, स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग, पॉइंटर, फंक्शन, सब कुछ हमने एक ही वीडियो के अंदर एक साथ इंप्लीमेंट करके देखा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, एंड उसके बाद जो दो वीडियोज हैं लेक्चर नंबर 32 एंड 33, तो 32 में हम वाइवा क्वेश्चन या कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर करेंगे, और 33 नंबर के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई कोड अवेलेबल है और उसका आउटपुट निकालना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग 3 वीडियोस भी देखिएगा ताकि आपका जो सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सारे टॉपिक्स से आप फैमिलियर होंगे और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं आपको करवा दूंगा। सो जिनको भी कोई डाउट है वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इस पूरी वीडियो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि
जो भी मैंने एफर्ट्स किए हैं इस पूरी वीडियो सीरीज को बनाने के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.